हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है उन कैंडिडेट के लिए जो बैंकिंग के एस्पिरेंट, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। तो ये 2019 आप सभी के लिए एक लकी ईयर हो सकता है। और आप सभी वेट कर रहे थे SBI PO का रिक्रूटमेंट को लेकर, साथ ही साथ आप क्लर्किल का भी जो है क्लर्क पोस्ट के लिए भी तैयार इंतज़ार कर रहे होंगे नो डाउट। तो इस साल उसकी वैकेंसी आएगी नहीं या आएगी, इस पे बहुत सारे अटकलें अभी चल रही है। फिलहाल SBI PO का जो वैकेंसीज यहाँ पे आज रिलीज़ हुआ है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा। उन कैंडिडेट को बहुत ही हेल्पफुल होने वाले जो बैंकिंग की तैयारी करें, उनको इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए। ठीक, तो देखिए, मैंने पहले भी बता रखा था कि इस साल वैकेंसीज तो आनी है और काफ़ी मात्रा में। इस पर वैकेंसीज की अगर बात करें, बैंकिंग के अगर एस्पिरेंट है तो उनके लिए एक अच्छा मौका बनेगा। यहाँ पे कुल 2000, ठीक, कुल 2000 यहाँ पे वैकेंसीज है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल वैकेंसीज की अगर यहाँ पे बात की जाए, टोटल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे 2000 है। ओके, तो अच्छी बात है, वैकेंसीज अच्छी खासी है यहाँ पर। और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर बांटी गई, सभी जो इतने भी यहाँ पर जो देख रहे हैं सीट है 2000, उनको कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अच्छी बात है। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पे फी वगैरह सभी के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है क्या, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपका 2 अप्रैल 2019 से 22 अप्रैल 2019 तक फॉर्म फिल होगा। ये प्रोसेस होगा फॉर्म भरने का, याद रखिएगा। पहला चीज़ आपको ये जानना होता है कि फॉर्म आ तो गई SBI का, ठीक, SBI PO का रिक्रूटमेंट आ गया, अब कब से फॉर्म भराना है, 2 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। सेकंड चीज़ क्या होना है, सेकंड चीज़ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका एज, ठीक है, एज कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, एज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, मैं इसको तो बड़ा करता हूँ। देखिए, एज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, साफ तौर पर देख रहे हैं, एज कहा गया है कि नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। कहने का मतलब 21 साल से नीचे नहीं और 30 साल से ज़्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 तक आपका जो एज है 21 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आपका जो कैटेगरीज वाइज यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, एक चीज़ तो पता हो गया, अब आइए यहाँ पे एज के बाद हम क्या करेंगे, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात होगी, ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात यहाँ पर जो की गई है, ठीक, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है, इफ़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन। ठीक, यहाँ पे बोला गया कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका सिर्फ ग्रेजुएट की बात की गई, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है या आप ग्रेजुएट हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछेंगे कि ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 50% होना चाहिए या 70% होना, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे बोला गया है आपका, आप सिर्फ पास हों, ठीक है, सिर्फ आप पास हैं, आप एलिजिबल हैं, अगर आप पास हैं एलिजिबल हैं, ठीक, आपका यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि देख लीजिए, ऑनलाइन जो स्टार्ट की यहाँ पे बात की गई है, रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक चलेगा, ठीक ठीक उसके बाद यहाँ पे अब आइए दूसरा होगा, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होना है, यहाँ पे डेट मेंशन पहले ही कर रखा है, 8, 9, 15 और 16 जून को, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 मीन्स कि 4 डेट में, 8, 9, 15, 16 जून, ये 4 डेट में पेपर होना है। ओके, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात की गई तो 1st week of July, जुलाई के पहले सप्ते में होगा। मेंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि मेंस का कब होगा पेपर, तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया 20 जुलाई को यहाँ पे बताया गया कि आपका ऑनलाइन मेंस पेपर होगा। तो कहने का मतलब 8, 9, 15 जून को यहाँ पे आपका प्रीलिम हो जाएगा और आपका 20 जुलाई को आपका जो है मेंस का पेपर होगा। इसका डिक्लेरेशन की बात किया गया रिजल्ट का, तो अगस्त का बोला गया, 3rd week में इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक। और बाकी यहाँ पे कनेक्ट ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू की बात की गई, सितंबर में होना है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट की बात की गई, अक्टूबर में आपका इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए, अब
यहाँ पे तो इतने सारे बात इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपने देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ कि सबसे पहले होता है क्या इसमें, आपका डेट कब से फॉर्म भराना, ये हो गया। एज क्या था, ये भी हो गया कि भाई एज आपका होना चाहिए 21 से लेकर 30 होना चाहिए था। ग्रेजुएट पास होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बस ग्रेजुएट पास हो, कितना परसेंट कोई मायने नहीं रखता है। तो फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है, 21 से 30 होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होना चाहिए, 2 अप्रैल से आपका 22 अप्रैल तक तो फॉर्म भराना है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरीज वाइज़ कि यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसीज कितनी कितनी है, कैटेगरीज वाइज़ क्या वैकेंसी। तो SC की बात करें तो यहाँ पे कुल 300 यहाँ पे सीट है, ST कैटेगरी के लिए 150, OBC कैटेगरी के लिए 540, EWS के लिए यहाँ पे 200 और जनरल कैटेगरी 810। कुल में आगे यहाँ पे देख लीजिए 2000 वैकेंसीज है, 2000 यहाँ पे वैकेंसीज आप लोग के लिए है, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कितने कितने साल के यहाँ पे छूट की बात की गई है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट आपको मिलने वाला है, OBC कैटेगरी से हैं नन क्रीमी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। बाकी PWD वाले के लिए यहाँ पे देख लीजिए SC ST में 15 साल, OBC में 13 साल और जनरल EWS में अगर PWD कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। बाकी एक सर्विस मैन के लिए यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है। अब आगे बढ़ के इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो वो है आपका फ़ी। फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, फ़ी स्ट्रक्चर के बाद पहले आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी है आपका कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पेपर होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले आइए पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर की अगर बात करें यहाँ पे देखिए कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है आपका। सबसे पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, ठीक, जिसमें कि आपका क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे, जिसमें इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35, रीजनिंग एबिलिटी 35, और सभी पर्टिकुलर जो सेक्शन है इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 1 घंटे का समय होगा और सभी सेक्शन का 20-20 मिनट का समय होगा। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। अब इसके बाद आता है सेकेंड फेज, सेकेंड फेज आपका जो होगा मेंस पेपर होगा, सेकेंड फेज होगा जो मेंस पेपर होगा जिसमें कि 145 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के लिए होंगे और सभी का जो है सेक्शन अलग अलग टाइम निर्धारित है। किसी अगर बात करें रीजनिंग का तो यहाँ पे 60 मिनट है, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का 45 मिनट से, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग गवर्नेंस का 35 मिनट से, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट से, कुल मिलाकर 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसी में आपका है फेज टू में 2 चीज़ होगा, पहला आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जहाँ पर आप का 200 मार्क्स का जो है 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लेंगे। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यहाँ पे देख लीजिए 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 30 मिनट मिलेंगे, 2 क्वेश्चन होंगे फॉर 50 मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए, जिसमें कि आपका क्या होगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज में कैसा होगा, टेस्ट जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, टेस्ट जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, याद रखिएगा 50 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज में, लेटर राइटिंग और एसेस में होगा। 30 मिनट मिलेंगे समय, 30 मिनट्स 2 क्वेश्चन, 30 मिनट 2 क्वेश्चन होगी और 50 मार्क्स के लिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तब यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस, कितने चांस आप इस मीन्स की इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स की इसके लिए कैपेबल हैं। ठीक, तो कहने का आपको कितने बार मौके मिलेंगे SBI PO में अपीयर होने का, ध्यान रखिएगा कितने बार मौके मिलेंगे SBI PO में अपीयर होने का, सबसे बड़ा सवाल है। ठीक, कई बार स्टूडेंट होते हैं कि अगर आप प्री के लिए पेपर दे दिया, ठीक है, प्री में हो सकता है कि आपने अगर बात करें जनरल कैटेगरी या EWS वाले हैं, अगर 4 बार उन्होंने प्री दे दिया, अब वो समझेंगे कि नहीं अब 5वां बार आप अप्लाई नहीं कर सकते। गलत, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आपने प्री 4 बार क्वालिफाई कर लिया हो, ठीक है, प्री 4 बार क्वालिफाई करके अगर आपने मेंस पेपर में बैठा हो, ठीक है, मेंस तक गए हैं, ठीक, तो अगर मेंस में आप क्वालिफाई नहीं किए हैं 4th राउंड में, ठीक है, प्री के बाद प्री आपने 4 बार दे दिया, अब अगली बार प्री आपने 4 बार दे दिया और प्री के बाद मेंस कभी भी नहीं हुआ, तो 5वां बार आप एलिजिबल नहीं हैं, तब 5वां बार एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए आपने प्री दिया और 1 बार भी आपका प्री नहीं हुआ है, अब कितना भी बार आप दे सकते हैं, ठीक है, पहला बार प्री हुआ नहीं दे सकते, दूसरा बार तब भी दे सकते हैं, तीसरा बार नहीं हुआ तब भी दे सकते हैं, 4th टाइम्स तब भी दे सकते हैं, 5 टाइम्स नहीं हुआ तब भी दे सकते हैं, 6th टाइम हुआ तब भी नहीं दे सकते तब भी दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका मेंस वो काउंट होगा, मेंस में यहाँ पे
ये काउंट होता है, ठीक है। प्री काउंट नहीं होता है, प्री काउंट नहीं होता है, मेंस काउंट होता है। अगर मेंस आपने 4 अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका नहीं होता है तब आप 5वीं बार एलिजिबल नहीं। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यू डीएस पीडब्ल्यूडी के लिए उनको 7 बार मौका मिलेगा, और ओबीसी के लिए भी 7 बार मौका मिलेगा, ओडब्ल्यू ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए भी 7 बार मौका मिलेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको नो रिजर्व रेस्ट्रिक्शन, वो कितनी भी बार चाहे दे सकते हैं, ठीक। एससी एसटी कितनी भी बार चाहे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जनरल और ओबीसी की बात करें तो मेंस 4 बार काउंट होगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए वहाँ पे 7 बार काउंट होगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। सोच कर अगर आपने अगर अगर जनरल कैटेगरी के 3 मौके आपने गंवा दिए हैं तो चौथा मौका सोच समझ के इस बार फॉर्म भरिएगा। अगर आपसे हो जाएगा, इस बार निकल जाएगा तभी करिएगा, नहीं तो आप एक मौका गंवाइएगा नहीं, अगली बार के लिए आप रख सकते हैं। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी हाउ टू अप्लाई करना आप लोग बिल्कुल जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई चीज़ होती नहीं है। बाकी अब यहाँ पर आइए, एग्ज़ाम सेंटर आप खुद से अपना चूज कर लीजिएगा, बहुत सारे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। बाकी सिग्नेचर हो गया, स्कैनिंग फोटोग्राफ आप लोग खुद से करेंगे, ठीक, आप लोग को आता भी होगा, इसमें समझाने वाली बात नहीं कुछ है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ था क्या, फ़ी, ठीक। यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए 125 रुपये लगेंगे, ओ बी सी ई डब्ल्यू एस जनरल के लिए 750 रुपीज़ लगने हैं, ठीक, याद रखिएगा। आगे इसमें कुछ खास नहीं है, तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, फटाफट कल से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कल है 2 अप्रैल, ठीक, कल है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से आप लोग फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दें, और अच्छा अपॉर्चुनिटी 2000 सीट आया है और इसको आप गवाइए नहीं। थैंक यू वेरी मच।